उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आक्रोशित ग्रामीण दुर्गापुर नंबर 1 और आसपास के हैं, जिस सड़क के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सड़क पिछले कई वर्षों से टूटी फूटी पड़ी है। ये सड़क 66 विधानसभा रुद्रपुर के अंतर्गत आती है। इस सड़क का पिछले कई वर्षों से कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि नेता राजनेता सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं। इन लोगों ने आज तक कभी विधायक शिव अरोड़ा को नहीं देखा। ये मार्ग दिनेशपुर और मटकोटा मार्ग रुद्रपुर का बाईपास का काम भी करता है। इस मार्ग में कई स्कूल भी हैं, जैसे कि आप जानते हैं। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी खस्ताहाल रोडों को तत्काल मरम्मत करें, लेकिन क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी भी इस क्षेत्र में नहीं आए। कई बार स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया रोड को लेकर और विधायक जी के पास गए, परंतु सम्मानित विधायक जी इन लोगों की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। भैया हमारी समस्या यही है कि हमारे रोड से समस्या है। बस हमारी रोड नहीं है तो कोई वोट नहीं है। बहुत दिनों से हम झेल रहे हैं इस रोड के कारण। हमें आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है, बच्चों की भी दिक्कतें होती है। हमें रोड चाहिए। बस हमारी एक ही आशा है आप लोगों से कि हमें रोड चाहिए। ये समस्या है, हमें रोड चाहिए। रोड नहीं है तो वोट नहीं है। हमारे बच्चे लोग को हर दिन स्कूल जाने में बहुत ही तकलीफ हो रहा है। हमारा कोई विधायक तो आजकल आए नहीं, कभी दिखा नहीं कैसा विधायक है। हमारा गांव में आए नहीं, जब वोट मांगने आता है सब बहुत नेता दिखा जाता है, जब वोट नहीं है तो कोई नहीं दिखा जाता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।